बिजनेस के लिए। ओके ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। चलो सो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है विजन। सो मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले, ठीक है। सो मेरा नाम सुशील मीनाई जी और मैं अलवर से हूँ, राजस्थान से। एंड दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड खेती बाड़ी भी हम करते हैं, ठीक है। और जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं एक स्टूडेंट था, अलवर रहता था मेरे सिटी के अंदर, वहां पे हॉस्टल्स के अंदर। एक अनजान पर्सन के थ्रू इस बिजनेस में आए हैं, बट अब तो हमारे सीनियर हैं, मैनेजर हैं चारोला सर, जिनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आया हूँ। इंस्टाग्राम पे उनका रेंडमली मैसेज आ गया था मुझे, तो बातचीत हुई है ना, धीरे धीरे देखा एंड देन बिजनेस को स्टार्ट किया। मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और 3 साढ़े 3 साल का आज बिजनेस के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। सो देखो, वीडियो आपने देखी है ना, अब वीडियो के अंदर आपने देखा होगा यार, बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, है ना, बट उनमें से आज वो बहुत सारे लोग गायब हैं, क्योंकि ट्रेनिंग किसके ऊपर है, विजन के ऊपर। तो आज विजन की हमने बातें करनी है कि भाई विजन क्या होता है। आप बिजनेस तो आपने स्टार्ट कर लिया है, 2 CC किया है, बहुत सारे सुपरवाइजर्स बैठे होंगे, EM बैठे होंगे, तो भाई आगे तक कैसे जाना है, वो विजन कैसा होना चाहिए हमारा। एक जो सक्सेसफुल इंसान होता है, एक जो कामयाब बंदा होता है, उसका विजन, उसका माइंडसेट कैसा होता है ना, वो सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर जी चीजें? सो आगे बढ़ते हैं। विजन, विजन क्या होता है वैसे, आप बताएंगे मुझे सभी? आप सभी फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो, है ना, काफी टाइम से। बहुत लोग होंगे जो काफी टाइम से कर रहे हैं, कुछ नए भी होंगे। आप बताएंगे मुझे चैट बॉक्स के अंदर, विजन एक्चुअल में क्या होता है, विजन का मतलब बताइए, बताइए चैट बॉक्स के अंदर बताइए। बातचीत ही हमने करनी है, सपना, एम, बाकी लोग भी बताइए। चैट मैंने एवरीवन की हुई है, कोई चक्कर नहीं, बताओ। रास्ता, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, गोल्स, क्लियर ड्रीम, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ओके। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सब बता रहे हो, ठीक है। विजन देखो एक क्या होता है, विजन का मतलब होता है कि आपने कोई चीज देखी है। जैसे भाई एग्जांपल मान लो, आपने है ना रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपने कोई अच्छी सी गाड़ी देख ली, ठीक है। अभी जैसे थार रॉक्स न्यू गाड़ी आई है ना, आपने भाई मान लेते हैं आपने वो देख ली। देखने के बाद आपके माइंड के अंदर ना एक एक चीज फिट हो चुकी है उस गाड़ी को लेकर के, कि इसका कलर ऐसा है, इसके टायर ऐसे हैं, इसके फीचर्स ये हैं, इसके कितनी विंडोज है, एक एक चीज है ना आपके दिमाग के अंदर बैठ चुकी है और आप उसे देख सकते हो जब भी आपको आ रहा है कि हाँ भाई, हाँ ये चीज है, मुझे पाई चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से आपके दिमाग के अंदर वो चीज बैठी हुई है और वो चीज आपको चाहिए, जिस चीज तक आप पहुंचना चाहते हैं, जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं। ये तो ड्रीम होता है कि भाई ये चीज हमें चाहिए, ही सपना है, बट वो विजन में कब कन्वर्ट होता है कि जब वो आपके दिमाग के अंदर प्रॉपर दिखता है कि भाई हाँ, कलर ऐसा, ये ऐसा, ये सारी की सारी चीजें जब आपको दिखती हैं, वो एक विजन बनता है, ठीक है। अब बात पता क्या है, आज हम हमारे इस इंडिया के अंदर 95% जो लोग हैं वो भीड़ की तरफ भागते हैं, भीड़ की तरफ जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। 5% लोग होते हैं जो एक है ना, जिनका एक विजन होता है कि भाई हाँ, जिनका एक सपना होता है कि हमें ड्रीम लाइफ लेनी है, हमने ये भी अचीव करना है, हमने ये भी अचीव करना है ना, ऐसा उसका एक क्या होता है, सपना होता है। अब आपके एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं, ठीक है। एक खरगोश वाली स्टोरी सुनी आप सभी ने, एक जंगल की बात है ना, एक शेर होता है और खरगोश होता है। शेर उससे पूछता है, खरगोश से, कि यार मैं इस जंगल का राजा हूं, है ना, बट फिर भी तू मेरे हाथ नहीं आता है, ऐसा क्या है तेरे अंदर? तो वो बताता है, कहते आप एक वक्त के खाने के लिए भाग रहे हो और मैं भाग रहा हूं अपनी जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी के लिए। समझ लगी चीजें दोस्तों? तो हमने यार है ना, जस्ट 2 4 5 नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं यार, हमने भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमने 5% लोगों में जाना है, वो सोच हमने रखनी है।
समझ लग गई, होप आपको समझ आ गया होगा, है ना, इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है जी, आगे बढ़ती है। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, देखो विजन ऐसे ही नहीं विजन बन जाता है, विजन की स्टार्टिंग होती है दोस्तों एक सोच से, जो हम चाहते हैं। आप यहाँ पे सीधे सपने थोड़ी लेके आगे फॉरएवर के अंदर, पहले आपकी सोच बनी होगी कुछ ना कुछ कि हाँ यार गाड़ी भी चाहिए, है ना, एक अच्छा लाइफस्टाइल भी चाहिए, घूमना भी है, ये भी है, ये आपकी सोच है। तो हर एक चीज की शुरुआत कहाँ से होती है, सोच से। जब वो सोच जो, अब आपकी सोच तो है कि भाई मुझे अच्छा लाइफस्टाइल लेना है, बट वो कब आएगा, जब उस सोच को, उस वॉन्ट्स को आप एक नीड में कन्वर्ट करते हैं। नीड का मतलब होता है भाई जरूरत, और जरूरत एक ऐसी चीज है, वहां पे ये नहीं आता है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, वहां पे ये आता है भाई चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। तो दोस्तों ये चीज आपने समझने की, जो आज आपकी सोच है, जिस सोच से है ना आप इस बिजनेस में आए हो कि यार पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, फैमिली के लिए, खुद के लिए, उस चीज को ना जरूरत बना लो कि ये चीज चाहिए ही चाहिए। फिर उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी एफर्ट करना पड़े, पागल बनना पड़े, बनो, काम करना पड़े, करो, मेहनत करना पड़े, करो यार, वो माइंडसेट आपको सेट करना पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर। फिर जब वो आपने बना लिया कि ये चीज मुझे चाहिए, लाइक एग्जाम्पल आपने भाई सेट कर लिया यार, है ना, मुझे ये गाड़ी लेनी है, इस तारीख तक लेनी है, उसको गोल में कन्वर्ट करो। गोल में जब वो कन्वर्ट होता है ना, फिर गोल हम कैसे अचीव करते हैं, फिर हम गोल्स के अकॉर्डिंग टारगेट सेट करना होता है ना, डेट वाइज कि भाई हाँ इतने डेट तक मैं इतना टारगेट कंप्लीट करूंगा, इतने तक इतना, इतने तक इतना, तब जाके है ना ये चीज मैं अचीव कर पाऊँ। उस नीड्स को हमने फिर गोल्स में कन्वर्ट करना है, जब उस गोल्स को आप अचीव करते हैं, है ना, फिर वो बनता है एक सपना, और ये सारी चीजों को मिलाकर फिर बनता है एक विजन। इन सारी चीजों को मिलाकर एक विजन बनता है, जो एक सोच से स्टार्ट होता है और एक सपने तक जाता है। इनके बीच की जो चीजें आती है, जो सारी सारी चीजें, वो विजन कहते हैं। होप समझ आ गया होगा आप सभी को, है ना, कि विजन क्या होता है। तो आप चेक करें कि भाई आप उस बिजनेस में क्यों आए हैं, आपकी सोच क्या है, उसको नीड बना लो अगर अभी तक नहीं बनाई है। क्योंकि जब लाइक एग्जाम्पल जैसे देखो यार, हम खाना खाते हैं, है ना, आप एक दिन भूखा रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, 3 दिन रह सकते हो, चौथे पांचवें दिन खाना खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, खत्म, खाएं या ना, क्योंकि वो जरूरत है, वो अगर नहीं भी है ना फिर भी आप खाएंगे। तो ऐसे अपने जो सोच है, जो वॉन्ट्स है, जो गोल है, जो ड्रीम्स है ना, उसको दोस्तों एक जरूरत बना लो, भाई ये चीज चाहिए तो बस चाहिए, दैट्स इट। फिर कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बस एक चीज दिखनी चाहिए, आपका गोल, आपका ड्रीम्स, वो माइंडसेट, वो विजन आपका होना चाहिए। तो समझ आ गई जी चीजें, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गोल्स हम देखो सेट करते हैं, है ना, तो गोल्स, ये ट्रेनिंग्स आपने काफी बार भी लगाई होगी कि है ना भाई, गोल्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, मिड टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म होता है कि जो हम मंथली के टारगेट सेट करते हैं, जैसे अभी ये सितंबर मंथ चल रहा है ना, किसी का टारगेट होगा कि मुझे इसी मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर निकालना है, एएम निकालना है, वो एक मंथली टारगेट के अंदर आ जाते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, जिसमें आप अपने आप को कोई सेल्फ गिफ्ट कर सकते हो, कोई भी चीज, है ना, जैसे आपने भाई इस महीने मुझे यार 25 सीसी करना है, तो पहले 10 दिन के अंदर मुझे इतने सीसी डालने, इस 10 दिन के अंदर ये सीसी डालना है, उस चीज को हमने टारगेट डिवाइड करके फिर हम एक शॉर्ट टर्म जो गोल है हमारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो दोस्तों, सीधे की सीधे है ना, हम है ना एक बड़े ड्रीम्स तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये आपको भी पता है, स्टेप बाय हम वहां तक पहुंचेंगे। तो पहले शॉर्ट टर्म हमने अचीव करना है, देन फिर मिड टर्म गोल क्या होते हैं, जो 1-2 साल के होते हैं, जिसके अंदर हम मैनेजर लेवल अपना, कि भाई मुझे मैनेजर निकालना ही निकालना है ना, अपनी जो इनकम है वो मुझे 1-2 लाख रुपए तक पहुंचानी है, और अपने आप को कार भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, ये चीजें आ जाती हैं मिड टर्म गोल्स के अंदर। आपको पता है हमारे टीम फेयर्स के अंदर इतने बड़े बड़े सीनियर्स हैं, जिन्होंने 6-6 महीने में मैनेजर किए हैं, 8-8 महीने में मैनेजर्स किए हैं, है ना, तो ये तो 1-2 साल का, बट लोग 6 महीने में मैनेजर बन जाते हैं, और कार सर ने भी है ना 8-9 महीने में गाड़ी ले ली थी, एक्सयूवी। तो आप ये चीज समझे यार, जब आप उस चीज को सेट करते हैं, उस चीज के लिए पागल बनते हैं, जरूरत सोच के काम करते हैं ना दोस्तों, फिर आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरी चीज क्या है, लॉन्ग टर्म गोल, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसे गोल लगा लो, चाहे आप इसे एक विजन लगा लो, क्योंकि विजन जो होता है ना, एक लॉन्ग टर्म होता है।
आपका जो सभी का विजन है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, कम से कम 5-6 साल का विजन होना चाहिए। आप यहाँ पे क्यों आए इस बिजनेस के अंदर? कामयाब होना, सक्सेसफुल बनना है ना, कुछ बढ़िया करना है। क्या कामयाबी फटाफट मिल जाती है बताओ? हाँ जी, मिल जाती है कामयाबी फटाफट? नहीं ना मिलती है। 3 साल लगते हैं ग्रेजुएशन करने में, डिग्री लेने में, हाँ या ना? 1 साल लग जाता है ना एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचने में। तो हमने यहाँ तो जिंदगी सेट करनी है भाई, कैसे कैसे हम 1-2 महीने में, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं 1-2 महीने में, भाई मैं 2-5 महीने मैनेजर बनता हूँ 1 साल में, भाई 1 साल में क्या होता है? हाँ करने वाले लोग कर लेते हैं, बट आपका विजन होना चाहिए कि भाई मुझे कम से कम इस बिजनेस के अंदर 5-6 साल देने हैं, काम करना है, मेहनत करनी है, पागल बनना है, वो विजन आपका होना चाहिए। सोरिंग मैनेजर का आप टारगेट सेट कर सकते हो 4-5 साल के अंदर। इनकम का सेट करें कि मुझे 5 लाख इनकम तक पहुंचाना है। कोई लग्जरी कार आप सेट करें, फैमिली के लिए सोचे, कोई अच्छा घर आपने गिफ्ट करना है, जो आपको लगता है कि यार फैमिली के ही चीज करना है, घुमाना है, जो भी चीजें सेट करें दोस्तों। क्योंकि विदाउट गोल है ना, ना तो हमारा फोकस होता है, ना हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, ना ही हम एक ट्रैक्शन मिलती है। तो दोस्तों ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ गई जी चीजें? तो लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं खुद कितने, मुझे 2.5 साल लग गया इस बिजनेस के अंदर मैनेजर। अगर मेरी सोच होती कि बस मैंने तो 1 साल ही देना है तो मैं होता जी यहाँ पे, नहीं होता। मेरा विजन था कि भाई मुझे 5 साल पागलों की तरह काम करना है, बस करना है, दैट्स इट। और ऐसी है ना, ऐसा कोई इंसान नहीं, जब बंदा पागल बन जाए, मेहनत करे, काम करे, तो वो कामयाब ना हो, वो चीज अचीव ना कर सके। तो लॉन्ग टर्म विजन सेट करें, क्योंकि जो वीडियो में आपने देखा है ना, मेरे साथ बहुत लोग आए इस बिजनेस के अंदर और बहुत लोग चले गए। कोई 2 महीने में चला गया, कोई 6 महीने में चला गया, कोई 1 साल में चला गया, बट मैं खड़ा रहा क्योंकि मेरा विजन सेट था, मेरा विजन लॉन्ग टर्म का था। आप ये चीज हमेशा याद रखें है ना दोस्तों, के एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक वृक्ष होता है ना, पेड़ होता है, वृक्ष होता है, और उस वृक्ष के अंदर छोटी छोटी टहनियां होती है ना, छोटे छोटे डालियां होती है, पत्ते होते हैं। तो हर साल के अंदर एक बार दो बार है ना, उस पेड़ के जो पत्ते हैं नए पुराने होते हैं, हाँ या ना? पुराने जले जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। अब आपने देखना है भाई, आपने पत्ता बनना है कि आपने वृक्ष बनना है। मैं वृक्ष बना तो मैं खड़ा रहा, जो आए मेरे साथ वो एक पत्ते की तरह थे, आए नए नए आए और चले गए, झड़ गए। मैं नहीं गया भाई, क्यों? क्योंकि मैं वृक्ष बन के खड़ा रहा इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म विजन है कि मुझे भाई वहां तक जाना है, मुझे अपनी फैमिली की ये चीजें करनी है, और करनी है तो बस करनी, दैट्स इट। तो दोस्तों आप इसे दिमाग में बिठा लीजिए, आपके साथ भी बहुत लोग आएंगे जाएंगे है ना, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार। आपने जब दोस्ती से किया था, उस दोस्त से पूछ के किया था कि भाई हाँ तू मेरे साथ खड़ा रहेगा तो मैं फॉरएवर करूं, नहीं ना? फिर उसके आने जाने से आपको फर्क क्यों पड़ता है? नहीं पड़ना चाहिए भाई, क्योंकि आप अपने सपनों के लिए आए हैं। समझ आ गई जी चीजें? तो दोस्तों लॉन्ग टर्म विजन सेट करें अपना, और अपने आप को एक वृक्ष बनाए, ना कि पत्ता वाले, ठीक है जी? कि ये 2-4-5 लोगों की बातों में आके आपको फर्क पड़ रहा है, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, वो कोई भी आके बोल के चला गया जिसको कुछ पता ही नहीं है कि नेटवर्किंग क्या है, फॉरएवर क्या है, हम उसकी बातों में, भाई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। समझ आ गई जी चीजें? क्लियर? चलो आगे बढ़ती है। अब देखो, फॉरएवर बिजनेस हमने करना है तो माइंड सेट ना यार बहुत ज्यादा मैटर करता है इस बिजनेस के अंदर। जो लोग चले जाते हैं ना, उनका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट होता है एक तरीके से है ना, उनकी सोच नहीं होती है कि भाई हाँ, और वो जल्दी चाहते हैं सब कुछ कि मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए। भाई जल्दी क्या मिलता है? सोचो आप, प्रैक्टिकल सोचो भाई, जल्दी क्या मिलता है? एक बच्चा जन्म लेता है, उसको भाई 1 साल लग जाता है बच्चे को चलना स्टार्ट होने में, बोलना स्टार्ट होने में। तो हम यहाँ पे 2-4-5 महीनों में सोच के बैठे होते हैं, फर्क समझे है ना? ग्रोथ माइंडसेट क्या है, फिक्स माइंडसेट क्या है। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा जो है ना, जो अपॉर्चुनिटीज वो देखते हैं कि भाई हाँ मैं किस अपॉर्चुनिटी से ग्रो कर सकता हूँ है ना, वो फेल फेल होने से डरते नहीं है, वो ये देख मौका देखते हैं भाई मैं किस चीज से ग्रो कर सकता हूँ, किस चीज से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लर्न करते हैं चीजें।
कुछ अच्छा जानने के लिए, हर एक चीज के लिए अलग अलग चीजें सीखते हैं, लर्न करते हैं, और चैलेंज हेल्प भी, उन्हें पता है कि भाई जो मेरे लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं ना, वो मुझे आगे लेकर जाने वाले हैं, वो मुझे आगे बढ़ाएंगे, ना कि मुझे पीछे लेके जाएंगे। ये ग्रोथ माइंडसेट को पता है। तो चैलेंज को ना एक्सेप्ट करना सीखो, चैलेंज से यार भागना नहीं है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंज आए हैं, है ना। बहुत लोग मजाक बनाते हैं, हाँ भाई एलोवेरा क्या हाल चाल है तेरे। बहुत लोग बोलते थे, हाँ भाई सुशील डॉक्टर क्या हाल चाल है। बोलते थे यार, कोई चक्कर नहीं भाई, अपना माइंडसेट ग्रोथ है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव है, कोई चक्कर नहीं भाई। कितने बोले जो हमें फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि विजन सेट था, क्योंकि माइंडसेट सेट था कि भाई जिंदगी में कुछ करना है तो 4-5 लोगों की नो ना से ना घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, पागल बनना है, काम करना है। क्योंकि जितने भी सोसाइटी में हटके जब हम कुछ करते हैं तो भाई हर इंडस्ट्री में लोगों को बोलते हैं, सिंगर्स लोग, जब एक बंदा होता है ना, जब वो सोचता है कि मुझे सिंगर बनता है, तो दोस्त मजाक बनाते हो, तेरी आवाज इतनी खराब है, तू बड़ा सिंगर बनेगा, है ना। कुछ कोई कहता है भाई मुझे IAS बनता, वो तू 10th में तो ऐसा था, तेरे इतने तो मार्क्स आते, तू बड़ा IAS बन जाएगा। भाई हर जगह बोलते हैं यार, चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखो, वो एक चैलेंज है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पता क्या, फॉरएवर हम स्टार्ट करते हैं, फैमिली भी बोलती है, दोस्त भी बोलते हैं, तो हमें ना लगने लग जाते हैं यार पता नहीं हमने कौन सा गलत डिसीजन ले लिया है। भाई आपको अगर लोग बोल रहे हैं ना, तो आप ये चीज समझिए, आप एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में हैं, आप एक बहुत अच्छा डिसीजन लेके आप काम कर रहे हैं। जो यार दोस्त घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है, आप कुछ कर रहे हैं तभी आपको लोग बोल रहे हैं। तो हमने उन चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, और हमने लोगों को, है ना, लोगों की सक्सेस जो है उनको हमने इंस्पायर करना है, और उनसे इंस्पायर होना भी है। हम ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, और ये हरदम नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि यार हाँ ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं छोड़ दें, तो ट्राई करते हैं भाई कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। और फिक्स माइंडसेट वाले क्या करते हैं, ये कैसे होते हैं, लिमिट होती है इनकी, है ना, कि भाई हाँ बस इतनी तक ही है, ये बस यही चीजें सीखते नहीं है, नॉलेज नहीं लेते हैं, चैलेंज आता है तो उसको पता नहीं क्या ही मान के बैठ जाते हैं, अरे यार ये भी करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन क्लियर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भाई वही चीज तो आपको आगे बढ़ाएगी। हर किस 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 इंडस्ट्री में, किस एक बताओ, किस चीज के अंदर चैलेंज नहीं आते हैं, हर चीज के अंदर आते हैं। एजुकेशन के अंदर नहीं आते हैं भाई, बहुत आते हैं। मैं खुद सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, इस बिजनेस में आने से पहले मेरा फर्स्ट एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर। एग्जाम देने के बाद आपको पता है, वो जो एग्जाम है ना, लोगों ने पेपर दे, पैसे देके पेपर ही खरीद लिया था। अब बताओ वहां पे मेहनती स्टूडेंट क्या करे। और फिर क्या हुआ, 5 साल की उसके ऊपर स्टे लग गई, क्या 5 साल तक ना तो SI की भर्ती आनी है और ना ही वो भर्ती क्लियर होनी है। क्या ये चैलेंज नहीं स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने ड्रीम सेट किया हुआ मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है। चैलेंज है दोस्तों, हर फील्ड के अंदर है। फिक्स माइंडसेट वाले जेलिसी करते हैं लोगों से, जिनकी जो लोग कामयाब हो रहे हैं उनसे, जो यार ये मेरे से है ना बाद में आता, ये मेरे से पहले कामयाब हो गया। भाई अच्छा वो कामयाब हुआ है, तुम देखो तुम क्यों नहीं हुए हो, जेलिसी नहीं करनी है। ये देखो उसने ऐसा क्या किया, वो आपसे पहले कुछ बन गया, आप ऐसा क्या नहीं कर रहे हो, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, वो चीज करेक्शन करें, ना कि जेलिसी करें। बट फिक्स माइंडसेट वाले ये चीज करती है। तो समझ आ गया होगा दोस्तों आपको कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और फिक्स माइंडसेट क्या होता है। ठीक है जी। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन FLC, अगर आप फॉरएवर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, तो FLP वांट्स ग्रोथ माइंडसेट। फॉरएवर को करने के लिए आपका ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप फिक्स माइंडसेट लेके फॉरएवर में बैठे हैं, तो प्लीज अपने आप को चेंज कर लें, अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर लें। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही हर बंदे का जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट होता है। हम भी कभी फिक्स वाले ही थे, बस 30-35 हजार आ रहे, ठीक है भाई कोई चक्कर नहीं पड़ गया है। बट जब फॉरएवर को धीरे धीरे समझा, पावर को समझा, पता चला कि भाई जिंदगी क्या होती है, लोगों को देखा सुना, बहुत सारी चीजें क्लियर होते होते उस माइंड को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों हमने उस माइंडसेट को इसमें कन्वर्ट करना है, तो वो कब होगा, जब आपके एक विजन सेट होगा। थिंक बिग, बड़ा सोचो यार। अगर आप अब मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, आप सभी 10-15-20-30 हजार के लिए फॉरएवर में आयो जी, बताओ, बताइए आप सभी, क्या आप सभी 10 हजार 15 हजार 20 हजार कमाने के लिए बराबर में आए हैं? नहीं ना। ऑफ कोर्स आप सभी सबकी इतनी तो सोच होगी, सर लाख रुपया तो कम से कम कमाना है ना, इतनी तो हर एक पर्सन की होगी भाई, लाख रुपया तो कमाना ही कमाना है। तो हमने बड़ा सोचना यार,
मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो घर वालों को बोलता था कि हाँ देखना मैं 1 लाख रुपया कमाऊंगा। घर वाले मेरी तरफ ऐसे देखते, तू 1 लाख रुपया कमाएगा? मजाक। घर वाले भी मतलब घर वाले ये नहीं कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, बट उनको क्योंकि फैमिली में किसी ने कमाया ही नहीं यार 1 लाख रुपया, रिश्तेदारी में किसी ने कमा ही नहीं रहा कोई 1 लाख रुपया, तो लगेगा ना घर वालों को। बट वो चीज घर वालों को प्रूफ की कि यस मैं कमाऊंगा, कमा के दिखाऊंगा, आज कमा रहे हैं 1 लाख रुपया। बट कैसे पहुंचे इस 1 लाख रुपए तक? सोच सोच थी यहां तक आना है, एक विजन सेट था दिमाग के अंदर, वो चीजें बार 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 रील्स घूमती थी कि सुशील यहां तक जाना है भाई, और यहां तक आना ये नहीं कि यहां तक आना, यहां से भी आगे जाना है, बट कम से कम यहां पहुंचना है जल्दी से जल्दी। वो सोच रखें अपनी, बड़ी सोच, बड़ा सोचो यार, बड़ा सोचोगे है ना प्रॉपर तरीके से फिर जाके आएगा। बड़ा बड़े है ना, बड़ी चीज को करने के ऊपर भरोसा रखो, बिलीव पे, बड़ा करने पर भरोसा रखो, एक्शन भी फिर तगड़ा लो जी। 1 लाख रुपया कमाना है, मेहनत 1 घंटे करनी है, आ जाएगा जी 1 लाख रुपया? नहीं आएगा यार। मैं जब ईएस लेवल पे था, सुपरवाइजर ईएस लेवल पे था भाई, मैं सुबह से शाम तक रात 12 बज जाता था पागलों की तरह काम करते 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 करते, 8:30-9 बजे काम स्टार्ट होता था रात को। दिन में कोई लंच नहीं कुंच नहीं है ना, कुछ भी नहीं खाते थे, सुबह जाते थे चाय के साथ 2-3 पराठे खा के चले जाते थे ऑफिस है ना देवेंद्र सर के यहाँ पे, और काम करते थे सारा दिन पागल पागल पागल, मुंह सूख जाता था, C+ खाते थे, फिर प्रोडक्ट यूज करते थे, फिर रात को आते थे 11:30 बजे आके खाना खाते थे। ये इस पागलपन से काम किया है, और जो कामयाब होते हैं ना दोस्तों, पागल बनना पड़ता है उस चीज के लिए। ठीक है जी, तो एक्शन भी हमने तगड़ा लेना है, ये नहीं कि कमाना 1 लाख रुपया, मेहनत 1 घंटे करनी, गाड़ी लेनी 20 लाख की, मेहनत हम अभी ये कल्टों के लिए भी नहीं कर रही है, कैसे होगा फिर? नहीं होगा यार। ठीक है जी, होगा कब? होगा जब ये चीजें करेंगे, सोच बड़ी रखोगे, बड़ी चीज के ऊपर भरोसा रखोगे, बड़ा एक्शन लोगे, एंड द रिजल्ट विल बी, रिजल्ट ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा फिर, जब आप मेहनत पागलों की तरफ बड़ी चीज हर चीज के अंदर आप बड़ा करोगे तो बड़ा रिजल्ट आएगा। ओके जी, डन, समझ आ गई चीजें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज पुट है ना योर सेल्फ इन चैलेंजिंग सिचुएशन, ये आप समझे दोस्तों, चैलेंज को ना फेस करना सीखे बस। रिजेक्शन से यार डरना नहीं है, लोग नो नो बोल के जा रहा है भाई, फिर क्या हो गया? नो को ऑन कर लो, नो को ऑन कर लो, चालू फिर से चालू हो जाओ। मुझे कितने लोगों ने नो बोला होगा, आप सोचो मेरे साथ है ना आज इस बिजनेस के अंदर मेरा कोई यार दोस्त भाई बहन कोई नहीं है, इवन राजस्थान से कोई भी बंदा नहीं मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर है जो मेरे थ्रू इस बिजनेस के अंदर, मतलब हाँ एक दो लोग हैं जो कि अनजान है, मतलब जानकार तो कोई है ही नहीं इस बिजनेस के अंदर, तो अननोन में काम किया, अननोन में पागलों की तरह दिन में 4 PPT करता था, 4 घंटे लगातार बोलता था, और शाम को देखता था चारों चारों ब्लॉक करके चले जाते थे, बट मैं उस चीज को पॉजिटिव लेता था, कोई चक्कर नहीं यार आगे फिर करेंगे, अगले दिन की शुरुआत फिर पॉजिटिविटी से करनी, आज फिर 4-5 लोगों की पीपीटी करनी, खुद करता था ना कि सीनियर से करवाता था, ना कि वेबिनार में बैठाता था, खुद करूंगा भाई, खुद फेस की चीजें, बंदे को पहचानना सीखा, कर करके है ना, पहली मैं पीपीटी करता था 1.5 घंटे की पीपीटी की थी, एंड आज मेरी पीपीटी हार्डली 30-35 मिनट में मैं सारी कंप्लीट कर रही थी, कैसे? क्योंकि बार 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 की वो चीजें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो सिचुएशन कैसी भी हो, चैलेंज आ रहा है कुछ, उसको फेस करना सीखो यार। हाँ क्या हमारे पेरेंट्स को चैलेंज नहीं आते हैं? बताओ, आते हैं ना, फैमिली चलाते हैं, पापा काम करते हैं, सैलरी 10-15 हजार है, अगले महीने बच्चे की फीस भी देनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, क्या ये हमारे पेरेंट्स के लिए चैलेंज नहीं है? है ना, क्या वो हार जाते हैं जी, रोने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं? नहीं ना, वो फेस करते हैं, कोई चक्कर नहीं, उनको पता है भाई जिंदगी है, जिंदगी में सब कुछ चलता रहता है, कोई चक्कर नहीं, बट फेस करते हैं। तो आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, सिचुएशन को डीलिंग करना है अपने आप को उस चीज के अंदर, क्लियर जी चीजें, उनसे हमने भागना नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन आ रही है, आपको जितनी ज्यादा नो सुनोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। अब एक बंदा एक दिन में एक बंदे की ना सुन रहा है, एक बंदा एक दिन में 5 बंदों की ना सुन रहा है, मतलब जो बंदा 5 लोगों की ना सुन रहा है ना, वो ज्यादा लोगों को टच कर रहा है, ज्यादा रेशो कवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी बनेगा, एक बंदा एक दिन में, तो ये चीज को आप समझे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम,
सराउंड योर सेल्फ विद सक्सेसफुल, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इन्वायरमेंट। अगर आपने कामयाब होना है ना दोस्तों, तो अपना जो इन्वायरमेंट है वो कामयाब लोगों का रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ। अगर आपको लगता है ना कि भाई आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आसपास है ना कोई भी है ना ऐसा बंदा है जो आपको नेगेटिव कर रहा है, जो बार बार बिजनेस को लेके ये कह रहा है, वो कह रहा है चीजें हैं, दो सॉल्यूशन है जी। पहला तो उस बंदे को बिल्कुल जिंदगी से रिमूव कर दो, दूसरा सोल्यूशन जी इग्नोर कर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हम रिमूव तो नहीं कर सकते हैं लाइफ से है ना, फैमिली के अंदर, बट उनको हम इग्नोर तो कर सकते हैं जी। और इग्नोर स्किल से, कैसे स्किल से, बिना कुछ कही बहुत कुछ सिखा देती है सामने, तो इग्नोर करना सीखे ऐसे लोगों से। मैं जब बिजनेस के अंदर था, घर पे काम करता था, दादाजी भी बोलते थे है ना, मेरे मामा जी आते थे, कहते यार सुशील मैंने 3 कंपनियां करके छोड़ी है, तो पता नहीं कहाँ फंस गया, अच्छा बढ़िया है, ठीक ठाक है, पढ़ने में पढ़ाई पे ध्यान दे, ये वो ऐसा वैसा। जब भी वो आते थे 2 महीने में, 3रे महीने, हाँ भी कुछ बना तेरा, चेक चुकाया, ऐसे मजा लेते थे। मेरे एक सीनियर है हॉस्टल के भाई साहब है ना, जो मुझे व्हाट्सएप पे, जब मैं सीनियर्स के अचीवमेंट्स की फोटो लगाता था, किसी ने कार ली है, किसी ने क्या ली है, तो मुझे मैसेज कर रहे थे, तेरी कब आ रही है गाड़ी, तू कब ले रहा है सुशील। मजे लेते थे दोस्तों। लाख रुपए की इनकम लगाता था तो मुझे बोलते थे, हाँ भाई 13 लाख रुपए कब आ रहा है, तो लोगों के लगाई जा रहा है। मैं क्या, अगर इनके आ रहे तो मैं भी उसी लाइन में लगा हूँ। एक लाइन में हम लगे हैं, प्रसाद लाइन में लगे हो भाई, आपको वही प्रसाद मिलना है जो अगले वाले को मिला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है उस लाइन में आप कब तक खड़े रहते हो, प्रसाद तो खत्म नहीं होने वाला है फॉरएवर के अंदर। लेट से मिलेगा, मिलेगा जरूर, तो मैं क्या, हम भी लगे हुए हैं भाई, मिलेगा आज है आज। वो जो 1 लाख रुपए का चेक लगाता हूँ ना, देख के छोड़ देते हैं, किस मुंह से रिप्लाई करें। कभी वो मजाक मनाते थे, कभी वो, आज वो देख के छोड़ देते हैं। जिस दिन गाड़ी आएगी उस दिन उनके घर लेके जाऊंगा, ले भाई मिठाई तू खा सबसे पहले। क्योंकि दोस्तों ये जो चीजें हैं ना हमें मोटिवेट करती हैं यार। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, मुझे जब किसी का मैसेज आता है तू कब गाड़ी ले रहा है, मन में आता है इसको करके दिखाना यार, अब तो गाड़ी लेनी पड़ेगी, अब तो मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी और तगड़ा काम करना पड़ेगा, ये दिल करता है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ग्रोथ वाला है, फिक्स वाला है ही नहीं। फिक्स वाला माइंडसेट तो इसको नेगेटिव लेगा, अरे यार ये ऐसा बोल रहा है, घर वाले भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहा है, मतलब छोड़ यार रहने दे, ये पता नहीं कैसा काम है। पॉजिटिव लो उस चीज को यार, पॉजिटिव लेता था मैं तो, कोई चक्कर ही नहीं कोई। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको लगता है कि आप किसी को जवाब नहीं दे सकते हो, स्माइल कर दो, कोई बात नहीं, टाइम बताएगा, बात खत्म। स्माइल ही आपकी बहुत कुछ कह देगी सामने वाले, बिना कुछ बोले ही सामने वाला समझ जाएगा, उसका वैसे ही कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा आपकी स्माइल से, बहुत तगड़ी पावर है। हंस दो, समझ आ गई चीजें। तो ये चीज को ध्यान रखें, तो अपना जो इन्वायरमेंट है उसको पॉजिटिव रखें, नेगेटिव लोग हैं प्लीज रिमूव कर दो। इतना टाइम नहीं कि हम उनको, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना टॉक्सिक होते हैं हमारी लाइफ में, आप उनको कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो, वो आपको करेंगे ही करेंगे। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है, कोई चक्कर नहीं, उनको इग्नोर कर दो, छोड़ दो, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं हम, ईगो। अब जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये चीज एक ऐसी चीज है ना, आपको सबको पता है कि भाई इंसान को ना खत्म कर देती है सच में। कुछ लोगों के अंदर है ना शुरुआत से ही होता है, ईगो होता है, गुस्सा होता है, ये चीजें होती हैं। ये ईगो है ना जो बहुत ज्यादा खराब है यार हमारे लिए। हम कुछ लोग फॉरएवर में जैसे जैसे बढ़ते हैं, 2 4 5 लोगों की टीम बनती है, तो हम अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ लेते हैं। प्लीज ये चीज को समझें, अगर आपको लगता है कि यार आप छोटी छोटी चीजों को ईगो पे ले रहे हो, वो छोटी छोटी चीज शायद आपको आगे ना बढ़ने। तो इस चीज को, ईगो के अंदर जो ई है, ई को रिमूव करो, गो को रखो, बस चलते रहो चलते रहो, बस आगे बढ़ो। ये चीज कभी नहीं इंसान को आगे बढ़ने देती है। ईगो तो यार एक ऐसी चीज है, इंसान को ना करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है ना उसके पास, उसको भी 0 पे लाके पटक देती है, ये ईगो है दोस्तों। तो प्लीज अगर ये चीज है, ये चीज आपको लग रहा है कि मेरे अंदर है, मैं छोटी सीनियर की छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाती हूँ, ईगो में ले लेती हूँ, उसने ऐसे कैसे कह दिया, टीम की कोई बात है उसको इस ईगो पे ले रहे हो, किसी ने क्या कह दिया, तो शायद वो चीज ना आगे बढ़ने दे। आज बढ़ भी जाओगे कल को वो चीज दिक्कत करेगी। तो प्लीज जितना जल्दी हो सकता है आप इस चीज को अपने अंदर से खत्म करें, क्योंकि खत्म कर दोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। ईगो तो लाना ही नहीं यार, ईगो तो किस चीज का ईगो करना भाई,
ऊपर वाले से थोड़ी हम तब बड़े हैं, अगर वो दे सकता है तो ले भी सकता है, ये हमने समझना है। अगर ऊपर वाला हमें दे सकता है तो वो ले भी सकता है, और वो दे के चेक भी करता है, पहले देगा आपको फिर चेक करेगा, जब चल जाएगा पता तो फिर बढ़ोगे ही नहीं आगे। तो प्लीज इस चीज को समझे, ईगो है, खत्म कर दो आज, इस चीज को फेंक दो, ठीक है। ऑलवेज बी ए गुड लर्नर, जो विजनरी होते हैं भाई वो सीखते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है मैंने 1 लाख रुपया नहीं, मैंने तो भाई और आगे जाना है, तो मुझे और सीखना है, और चीजें सीखनी है मैंने, और लर्न करना है। ट्रेनिंग लगाते हैं, ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना, हर एक चीज को नॉलेज लेते हैं, स्किल सीखते हैं, ये चीज मैं कैसे बढ़िया कर सकती हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ, सीखते हैं। और एक लीडर की भी क्वालिटी है ना, गुड लर्नर लीडर होता है वो हमेशा सीखते रहता है। और मनदीप कंबोसर क्या कहते हैं कि भाई 90% 95% बंदा ना जिंदगी में सीख जाता है, 5% एक ऐसा है जो इंसान को ना डेली सीखता रहना चाहता है। तो ये हमें समझना है कि 5%, क्योंकि कोई भी इंसान ना 100% नहीं सीख सकता है, 95 तक सीख जाता है, 5% हमें डेली सीखते रहना पड़ता है। तो ये आप अंडरस्टैंड करें कि अगर आपने बहुत आगे जाना है इस बिजनेस के अंदर, बहुत तगड़ा एक विजन सेट करके, तो डेली लर्न करनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें सीखें शुरुआत में, है ना, अपने बेस को मजबूत करें, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर बेस एक ऐसी चीज होता है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको समझ आना चाहिए कि बेस क्या है, बेसिक चीजें। तो शुरुआत में जितने भी न्यू ईएस हैं, पुराने ईएस हैं, अगर पुराने जितने भी आपको लग रहा है कि यार मेरे बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है ना, अभी भी धीरे धीरे हॉली हॉली स्पीड नहीं है, तो आप फिर से चेक करें आपका जो बेसिक है वो वीस का, क्योंकि तो बेसिक में बहुत तगड़ी पावर होती है। मैं इतना मानता हूँ, है ना, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके पास नॉलेज जो है फालतू की कम भी होगी ना चलेगा, बट जो बेसिक है ना एक्चुअल, जिस चीज से काम चल रहा है फॉरएवर का, वो नॉलेज होगी ना तो आप बहुत अच्छे से ग्रो करें। समझ आ गई चीजें? नो डाउट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर में एक्चुअल में बेसिक क्या है, इस चीज से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। समझ आ गई जी चीजें, है ना, आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट बिलीव, सबसे पहले देखो भरोसा रखें खुद के ऊपर, क्योंकि आप पूरी दुनिया में ना यूनिक है। आपका फिंगरप्रिंट मेरे से मिलता है किसी का? नहीं ना मिलता है, किसी से नहीं मिलता है। मेरी फिंगरप्रिंट अलग है, आपकी फिंगरप्रिंट अलग है, हर एक बंदे की अलग है। तो भाई हम यूनिक हैं, अगर ऊपर वाले ने हमें यूनिक बनाया है तो हमने अपने ऊपर भरोसा रखना है। बहुत सारे लोगों को लगता है यार पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लोग मना कर देते हैं, ये मेरे से बाद में आई थी बट ये मेरे से पहले ग्रो कर रही है, मतलब बिजनेस बढ़िया है, मेरे अंदर ही कमी है, मेरे से नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा आपसे, बताओ मुझे। आपने जब जन्म लिया था, इस दुनिया में एंट्री की थी, आपने क्या आता था, आपको कुछ आता था बताओ? नहीं ना आता था। आज आपको क्या नहीं आता है? खाना बनाना आता है ना, गाड़ी चलाना आता है, पढ़ना लिखना आता है। जब आप दुनिया में आए थे आपको ये नहीं पता था कि मेरे बुआ पापा मम्मी कौन है, बट जैसे जैसे हम, है ना, चीजें समझना स्टार्ट करते हैं, हमें बताया जाता है, हमें पता चल जाता है। तो दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिनसे इंसान नहीं कर सकता है। अभी आपको ट्रेन चलाना नहीं आती है ना, अभी आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, बट आपको 6 महीने ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए, तो बताओ चलाओगे कि नहीं चलाओगे? 7वें महीने चला लोगे ना, क्यों? क्योंकि सीखा आपने। तो फिर कौन सी चीज है जिसे इंसान नहीं कर सकता है, बताओ? क्यों नहीं कर सकते आप यार? फॉरएवर में आपने सुना होगा भाई, देखा भी होगा कि अंधे लोग मैनेजर हैं, जिन जो दुनिया को देख नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते, वो फॉरएवर में 1 लाख रुपए कमा रहे, आप क्यों नहीं, पूछो। तो दोस्तों आप तो भी फॉरएवर में कामयाब हो सकते हैं, बट खुद के ऊपर भरोसा करो, आप अपने आप से सवाल करो, आपको अपने ऊपर ही नहीं विश्वास है, सामने वाला कैसे आपके ऊपर विश्वास करेगा? खुद के ऊपर भरोसा रखें, जब खुद के ऊपर भरोसा होगा ना तो कोई नहीं आपको रोक सकता है आगे बढ़ने से। समझ आ गई जी चीजें? फॉरएवर के ऊपर भरोसा रखें दोस्तों, फॉरएवर के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखी थी जो क्रूज से लाइव मीटिंग हुई थी कल परसों, अपना परसों, है ना, ओजला सर और इन्होंने की थी, काफी लोगों ने, राहुल सर, देखी थी पावर फॉरएवर की, 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वहां पे जिन्होंने क्वालिफाई किया था पूरी फॉरएवर के अंदर ईएमआर, और वो पूरा के पूरा क्रूज बुक कर लिया।
दुनिया का वो सबसे बड़ा क्या है क्रूसी, फॉरएवर की पावर चेक करें हम, ये फॉरएवर की पावर है। तो फॉरएवर के ऊपर यार भरोसा रखो। मैं भी है ना एक खेती बाड़ी करता था, स्टूडेंट था मैं, हॉस्टल में रहता था यार है ना। हॉस्टल में पता हम क्या करते थे, हॉस्टल में हम ना लड़ाई दंगे करते थे, फालतू में किसी को पीट देते थे, केस कास हो जाते थे, पुलिस पकड़ के ले जाती थी, कभी क्या होता था कभी क्या होता था, कभी हम हॉस्ट मार रहते थे है ना, एक लड़ाई हो गई थी तो हम प्रेसिडेंट को ही पीट देते थे, हम प्रिंसिपल को पीट दिया था एक बार है ना, तो बहुत तगड़ा मैटर हो गया। तो ऐसे थे यार, मैं ऐसा था भाई, ऐसे लोगों में रहा हूं मैं, शराब पीते थे है ना, ये करते थे, जा रहे हैं कभी कहाँ घूम रहे, कभी कहाँ घूम रहे, पूरे एक साल 12 महीने में 1 महीने पढ़ाई करते थे, 11 महीने ये काम करते थे। आप सोचो ऐसे ऐसे एनवायरमेंट में रहा हूं मैं। बट जो फॉरएवर को समझा, यहाँ के सिस्टम को समझा, यहाँ के लोगों को समझा, फॉरएवर की पावर समझी, मेहनत करना स्टार्ट कर दिया कि यार फॉरएवर में अगर ये इतने लोग 10 10 15 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, लोग करोड़ों कमा रहे हैं, भाई मैं 2 3 लाख तक तो पहुंच जाऊंगा। भरोसा रखा यार, फॉरएवर के ऊपर भरोसा रखे दोस्तों, क्योंकि फॉरएवर आपको वो कुछ दे सकती है जो मार्केट में आपको नहीं। फॉरएवर में बहुत कुछ है। और लास्ट क्या है, एक्टिव अपलाइन, जो आपके एक्टिव अपलाइन है उनके ऊपर विश्वास रखें। अगर आपको अपने सीनियर के ऊपर ही भरोसा नहीं है, अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं है, हाँ नॉलेज हो सकता है कम हो बट विश्वास रखें, क्योंकि वही एक बंदा है जो आपको इस बिजनेस में आगे लेकर जाएगा। बाहर पड़ोसी थोड़ी आपको फॉरएवर में आगे बढ़ा देगा, दोस्त थोड़ी फॉरएवर में आगे बढ़ा देगा, नहीं ना, अपलाइन ही आपको आगे बढ़ाएंगे। तो अपलाइन के ऊपर भरोसा रखो, छोटी छोटी बातों से है ना हो जाती है, हम रिलेशन खराब कर लेते हैं, अपलाइन से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, गुस्सा, ये सारी चीजें छोड़ दो यार, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। जब एक इंसान पर्वत पे चढ़ता है ना, पहाड़ों में चढ़ता है, तो उसकी गर्दन ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है नीचे, तो हमने ऊपर जाना है दोस्तों, तो हमने उस चीज का ध्यान रखना है। समझ आ गई चीजें? और सेकंड पॉइंट क्या है, फियर ऑफ फेलियर, फेल होने से डरते हैं। कोई फेलियर जो है वो सक्सेस का पार्ट है, छोटा भाई है, ये आपको समझना है। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग जो एक ऐसी चीज है इंसान को खत्म कर देती है, एक हंसता खिलता चेहरा भी ना रुम जा जाता है, ऐसा ऐसा बना देती है इंसान को, अंदर से खत्म कर देती है, इच्छा शक्ति खत्म कर देती है, सब कुछ खत्म कर देती है। तो प्लीज यार है ना, ज्यादा ना सोचो, इतनी उम्र भी नहीं है हम, जितने उससे ज्यादा तो हम सोच लेते हैं, क्यों सोचना यार, बताओ। सोचने से थोड़ी कुछ होता है भाई, टेंशन लेने से थोड़ी कुछ होता है। मैं ओवर थिंकिंग करता 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 यार मैं मैनेजर नहीं बन रहा, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, मैं बनता नहीं बनता, मैंने एक्शन पर भरोसा रखा, मैंने खुद के ऊपर विश्वास किया, मैंने काम किया ना, मैंने ज्यादा सोचा। तो ज्यादा नहीं सोचना है, डाउट ना करो यार। काफी बार है ना 2 4 5 लोगों की बातों में आकर के हम फॉरएवर के ऊपर फिर डाउट करने लग जाते हैं कि यार हाँ ये कामयाब हो गया, मैं नहीं हो सकती, पहले के लोग कामयाब हो गए मैं नहीं सकता। भाई डाउट को क्लियर करके फॉरएवर करो। मैं जब है ना इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी डाउट होते थे, बट मैं हर एक क्लियर करता रहता था, सारी चीजें खुद से लर्न करता रहता था, खुद से सीखता रहता था, हर एक चीज खुद। एक्सेप्ट द फेलियर, फेल को एक्सेप्ट करें यार, फेलियर जो है छोटा पार्ट है, पहले हमें उस चीज को फेलियर होना है, फिर हम कामयाब बनते हैं। मैं भी सुपरवाइजर के लिए एफर्ट कर रहा था, पहले मैंने मेरा बेस टूटा, अब ये फेल एक तरीके से, ये मान लो मैंने गोल अचीव करना है, वो नहीं हुआ तो भाई क्या हुआ, अगले महीने कर लेंगे। बट कुछ लोग वहां पे अपने आप को सोचते हैं यार जो मैंने सोचा हुआ ही नहीं, छोड़ ये वो ऐसा वैसे, एक्सेप्ट करें उन चीजों को, वही चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती है और वही चीजें हमें बहुत आगे बढ़ाती हैं। ठीक है जी, प्रिपेयर है ना योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करें दोस्तों। दुनिया में ना जिस जिस बंदे ने अपने ऊपर काम किया है ना, वो बहुत आगे गया है। तो मैं आपको एक ही चीज सिखाऊंगा, मैं हमेशा मीटिंग में बोलता हूँ कि भाई आप अपने ऊपर काम कर लो, आपको फॉरएवर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको अपलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली यार,
आप खुद सीख जाओ, पीपीटी करना खुद सीख जाओ, है ना, पर थर्ड पार्टी करना खुद सीख जाओ, आप प्लानिंग करना खुद सीख जाओ, क्लोजिंग खुद सीख जाओ, हर एक चीज खुद सीख जाओ। आपको जरूरत पड़ेगी किसी की? नहीं पड़ेगी, आप खुद अकेले बहुत है वो चीज करने के लिए। मैंने भी अपने ऊपर काम किया, अपने आप को मैंने घिसा जितना ज्यादा घिस सकता था, पागल बना, भूख प्यास सब कुछ छोड़ के फॉरएवर 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 फोकस करके काम किया। तो अपने ऊपर काम करें, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं, सर मैं फॉरएवर करनी है, बट घर वाले ये बोलते रहते हैं, ये बोलते हैं, मानते नहीं है, ऐसा वैसा। ये बंदा तो देखो बहाना देता रहता है कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं कब पीपीटी करवाऊं, कब कॉलिंग करूं, कब काम करूं, मैं ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, ये भी करता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा सर, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है। ब्लेम करते हैं लोगों को, झूठ बोलते रहते हैं, हना फ्री रहते हैं फिर भी झूठ बोलते रहते हैं, ये एक तरीके का। तो देखो ये लोग होते हैं, एक बंदे होते हैं जिनका एक्सक्यूज तक तो दूर दूर तक ही नहीं है भाई, और होना भी नहीं है। कामयाब बनना है, कामयाब लोगों लोग बहाना नहीं देते हैं। मैं पेरेंट्स नहीं मानते हैं दोस्तों, मैं जब फ्लेवर में आया था ना, मैंने मेरी मम्मी को ना आज एक एक चीज पता है मार्केटिंग प्लान के बारे में। शायद यहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे होंगे जिनको वो नहीं नॉलेज है जितनी नॉलेज मैंने अपने घर वालों को दी हुई है फ्लेवर की, इसलिए आज घर वाले मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको मैं यही कहूंगा, अपनी फैमिली को फ्लेवर क्लियर करें यार, पेरेंट्स को क्लियर करें, जो भी है आपके हस्बैंड है फैमिली में, भाई बहन है, उनको क्लियर करें यार फॉरएवर कितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैंने एक चीज बताई है कि कैसे पैसा आता है, कितना कमीशन आता है, कैसे क्या होता है, हर एक चीज। एएम लेवल पे कितना कमीशन, मैनेजर पे कितना कमीशन, पहले ही बताया हुआ है। जब मैं मैनेजर बना था तो मम्मी बोल रही थी अब तो तेरी इनकम ज्यादा है कि, मैं क्या आपको कैसे पता, कहते तूने बताया तो है कि मैनेजर लेवल तेरी इनकम जो ये परसेंटेज है बढ़ जाएगा कमीशन का। हाँ तो फॉरएवर क्लियर करें यार फैमिली को, घर वालों को क्लियर करें, टाइम ही नहीं है ना दोस्तों। जब बंदे का विजन क्लियर होता है ना, वो बंदा ओवर टाइम काम करता है, टाइम टूम का नहीं बहाना होता है। मैंने ओवर टाइम काम किया है, सुबह 9 से रात को 12 बजे तक लगे रहते थे, घर वालों के कॉल आते थे, कोई चक्कर नहीं यार बाद में देखेंगे, घर पे रहता था, 1 साल में घर पे काम किया था, मम्मी खाना लेके रख जाती थी, 12 बजे खाता था, 8 बजे खाना, 12 बजे खाता था, प्लेट रखी रहती थी, कोई चक्कर नहीं बाद में खा लेंगे, क्योंकि फॉरएवर 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 फोकस फॉरएवर पे था, दिमाग के अंदर वो चीजें घूम रही थी। वो विजन आपका होगा ना तो बताओ जी, कोई रोकेगा जी आपको आगे बढ़ने से? जब आप इस तरीके से काम करते हो, ये चीजें करते हो, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लें यार, है ना, अपनी लाइफ की। अगर आप अपनी लाइफ की खुद नहीं जिम्मेदारी ले सकते हैं और कौन लेगा भाई? आज ले लोगे ज्यादा बढ़िया है, कल को मजबूरी बन जाएगा जिम्मेदारी लेना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, इस चीज से भागे ना, क्योंकि हमारा बिजनेस ही रेस्पॉन्सिबिलिटी का है। सब काफी लोग होते हैं सीनियर के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं, मेरे मैम है तो सही सर है, ये देख लेंगे समझा लेंगे, भाई उनके लिए थोड़ी तो आपने बराबर करनी है। आपका कल को मैनेजर बन के 1 लाख रुपए कमाओगे, अपनी अपलाइन को चेक दोगे? नहीं ना देंगे। मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ भाई, मैं क्यों दूँ अपलाइन को? नहीं दूंगा, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मैं खुद रखूंगा, मेरी डाउनलाइन मुझे क्यों दे पैसा? भाई वो अपने लिए काम कर रही है तो खुद पैसा कमाए, हाँ या ना? तो आप अपने लिए काम कर रहे हो तो जिम्मेदारी खुद लें, खुद काम करें। ठीक है जी, तो ब्लेम नहीं करना है ना, ये लोगों को ब्लेम नहीं करते हैं कि यार इसने ये कर दिया, वो ये कर देता, ऐसा हो जाता, मेरा ये हो जाता। यार आप अपने आप को चेक करें, आप कितनी मेहनत कर। ठीक है जी, समझ आ गई चीजें क्लियर? तो लास्ट में ये चीज आपको चीजें बता देता हूँ, जिस तरीके से है ना मैं काम करता था, मेरी टीम से मैं काम करवाता हूँ, अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी है ना उस चीज तक पहुंचोगे। ठीक है जी, सो पहला पॉइंट क्या है, मेक टू डू लिस्ट, प्लीज टू डू लिस्ट की आदत डालें। एक सेकेंड, हाँ मैं 1 सेकेंड, हाँ जी, टू डू लिस्ट की आदत डालें। मैनेजर बनना है सभी ने, बताओ किस किस ने मैनेजर बनना है, चैट बॉक्स के अंदर बताओ। 760 लोग हैं, आप सबने मैनेजर बनना है? जितने लोग यहाँ पे मीटिंग के अंदर बैठे हैं बताओ चैट बॉक्स के अंदर फटाफट, सभी के मैसेज नहीं आ रहे अभी देखो, मतलब वो एक्टिव नहीं है कुछ लोग। बस 150 200 लोगों के मैसेज आए हैं,
क्या बात है, क्या बनना है, सभी ने बनना है ना। ओके ओके ठीक है जी। तो देखो दोस्तों, मैनेजर बनना है आपके लिए, ये चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें कर लेना, मैनेजर हो बस। मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं पीछे हटना है, डिसिप्लिन में काम करना है, लगातार करते रहना है, कोई चक्कर नहीं, कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ना, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, बस ये चीजें देख लो। पहला तो टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, मतलब टू डू लिस्ट क्या, कि कल जो आपने काम करना है वो आज आपकी डायरी के अंदर लिखा होना चाहिए, एक एक घंटे का हिसाब होना चाहिए आप, कि आप सुबह 8 बजे जगोगे, 8 बजे जगने के बाद रात को 12 बजे सोना है, तो 8 से 12 के ना एक एक घंटे, आधे आधे घंटे का हिसाब हो कि मैंने इस आधे घंटे में क्या करना है, इस आधे घंटे में क्या करना है, ये चीज कैसे करनी है, ये चीज किस करनी, कैसे करनी। अभी भी हो रही आवाज ब्रेक? क्लियर? ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। तो टू डू लिस्ट बनाना है, रात को सोने से पहले सारा टास्क लिख लो कि कल मैंने क्या करना है। आप रेडी भी होते हैं ना, वो भी टास्क लिख लो, आप खाना बनाते हैं वो भी टास्क लिख लो, आपने कहीं बाहर जाना होता है, कोचिंग करनी होती है, जॉब करनी होती है, वो भी लिख लो। मतलब 8 से 12 एक एक घंटे का हिसाब लिख के रखो डायरी के अंदर, उस हिसाब से आप एक्शन लोगे, काम करोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप आने वाले 8-9 महीने के अंदर आप मैनेजर बन सकते हैं। बट ये चीज लगातार करनी है, क्योंकि टू डू लिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए हर एक चीज के अंदर। मैं सो में जब आता था, मुझे होता था यार मैं कैसे चीजें मैनेज करूं, मेरी टीम बन रही है कैसे होगा, बट टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया, टाइम भी मैनेज हो गया और हर एक चीज करने लग गया। बस मेरा फोकस क्या होता था कि जो मैंने टू डू लिस्ट के अंदर लिख दिया ना, किसी भी हालात में वो मुझे पूरा करना है, करना सारा टास्क कंप्लीट करना है, क्या आपने सेट करना है। हाँ, आपको शुरुआत में 10 दिन 15 दिन दिखाना है, टूरिस्ट के अकॉर्डिंग आपसे काम नहीं होगा, शुरुआत में आपको आदत बनने में टाइम लगेगा, बट 21 दिन तक आपको आदत बनने के लिए टाइम लगेगा। तो 21 दिन तक आपने, एक सेकंड एक सेकंड, सभी को ब्रेक होगी, अब क्लियर है जी, बता दीजिए क्लियर है अब। ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके थैंक यू। ठीक है, तो टू डू लिस्ट बनाना है डेली, है ना, सुबह मॉर्निंग में कॉल करो जो आपके, है ना, रेस्पॉन्सिबल अपलाइन है, यही नहीं कि यार, है ना, जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया वो खुद ही 10 बजे जाग रहा है, ऐसे ऐसे अपलाइन जो एक्टिव है प्रॉपर तरीके से, जो जिम्मेदारी लेता है हर एक चीज की, उस अपने अपलाइन को कॉल करें, कॉल करके, है ना, बातचीत करें, काम के बारे में पूछे, क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज पूछे, टास्क लें अपने आप को, सर मुझे टास्क दो आज, मुझे सारा दिन में क्या 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 मुझे करना है, किस तरीके से करना है। आप लर्निंग का टास्क ले सकते हैं, आप किसी पीपीटी का टास्क ले सकते हैं, किसी चीज का टास्क लें, टू डू लिस्ट सेंड करें, है ना, जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है अपने सीनियर को भेज दो कि मैम ये मेरी टू डू लिस्ट है सर, और कल मैंने ये चीजें कंप्लीट करनी है। फिर शाम होते ही अपने अपलाइन को वो टू लिस्ट फिर चेक करवाओ, सर ये काम था आज, इसमें से ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, कारण जरूर। आप छोटी छोटी चीजों से ट्रैक होंगे, ट्रैक होके देखना आप एक बढ़िया अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे। ट्रेनिंग जो है हमेशा कैमरा ऑन करके अटेंड करें यार, है ना, क्योंकि कैमरा ऑन करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास आता है हमारे अंदर, आदत अच्छी बनती है हमारी, आगे आना स्टार्ट हो जाते हैं, सीनियर्स की नजरों में हम आते हैं। कल को आपकी जब टीम बनेगी 50-150 लोगों की, तो अगर आप एकदम से कैमरा ऑन करोगे, है ना, तो आपको एक कर ही नहीं पाएंगे आप, मुझे डर होगा आपके अंदर एक, तो कैमरा ऑन करके ट्रेनिंग अटेंड करें, हमेशा एक्टिव रहें व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, है ना, हम ग्रुप्स के अंदर 700-800 लोग होते हैं, मैं से सिर्फ 50-60 लोग करते हैं भाई, बाकी लोगों ने क्या करना होता है, तालियां बजानी होती है ग्रुप में, भीड़ बने होते हैं। प्लीज यार, है ना, आप सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में ऐड हैं, एक्टिव रहें यार, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ना एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, वाइब्स क्रिएट करती है पॉजिटिविटी की।
तो ये अपने अंदर लेके आए, ठीक है। टाइम टू टाइम चेक करें एंड अपने सीनियर की रेस्पेक्ट करें, जितने भी आपके सीनियर हैं अपलाइन है, क्योंकि वो आपको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। एक अपलाइन की ना ये सोच होती है कि यार मेरी डाउनलाइन ना मेरे से जल्दी मैनेजर बने, मेरे से ज्यादा पैसा कमाए, मेरे से जल्दी सीनियर बने, सोरिंग बने, ये सोच होती है एक अपलाइन की अपने डाउनलाइन के प्रति। तो आप सीनियर के ऊपर भरोसा रखें, टाइम की उनकी रेस्पेक्ट करें, ठीक है, और जो भी मीटिंग आप अटेंड करते हैं कैमरा ऑन करके करें, अपनी टीम को भी ये चीज आप सिखाएं, ठीक है जी। और एक्सक्यूज देना बंद कर दो, क्योंकि जो इंसान एक्सक्यूज देता है वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता है। समझ आ गई चीजें? और डेली अपलाइन को रिपोर्ट सेंड करें, ठीक है जी, जो भी काम आपने किया है सारी सारी चीजें। तो इस तरीके से दोस्तों आप काम करें, एंड लास्ट में की चीज है नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना यार। क्या छोड़ना सॉल्यूशन होता है बताइए? क्या छोड़ना किसी चीज को सॉल्यूशन है दोस्तों? नहीं ना, तो हमने गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। एक ना एक दिन आप जरूर मैनेजर बनेंगे, आप भी कामयाब होंगे, आप भी लाख रुपया कमाएंगे, आप भी वहां तक पहुंचेंगे। समझ आ गई चीजें दोस्तों? विजन सेट करें, पागल बन जाओ अपने ड्रीम्स के लिए, काम के लिए। फॉरएवर करनी है ना यार अपनी, है ना, फैमिली के लिए फॉरएवर करो भाई, अपने परिवार के लिए फॉरएवर करो यार, अपने मम्मी पापा के लिए फॉरएवर करो, जो आपको इंपॉर्टेंट है अपनी, है ना, आपकी लाइफ के अंदर, उस बंदे के लिए फॉरएवर। समझ आ गई चीजें दोस्तों? जो मैंने चीजें समझाई हैं क्लियर की हैं आपको? हाँ जी, तो गिव अप नहीं हमने करना है, ठीक है जी। तो विजन सेट करेंगे जी सभी, अपना पागल की तरह काम करेंगे सभी? पागल तो बनना पड़ेगा यार, आज पागल बन के काम कर लोगे बढ़िया है, वरना कल को मजबूरियां जिम्मेदारियां आपको पागल बना देंगी काम करने। जैसे देखते हैं ना मार्केट में लोग 10,000 कमाने के लिए मार्केट में पागल बने हुए हैं, पागलों की तरह काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत जैसे चाहे सुना रहा है, जैसे चाहे कर रहा है, ये है दोस्तों। तो अपने लिए फॉरएवर करें, खुद के लिए करें, फैमिली के लिए फॉरएवर करें, पेरेंट्स के लिए करें, है ना, और मेहनत करें, बस मेहनत पे भरोसा रखें, है ना। लोगों की, दो चार पांच लोगों की बातों से फर्क नहीं हमें पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ रहा है ना तो आपका विजन अभी स्ट्रांग नहीं है, अगर फर्क पड़ रहा है तो आपके सपने कच्चे हैं, बस सोच है आपकी, अगर आपको फर्क पड़ रहा है उस चीज का। दोस्तों फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पागल बन जाओ उस चीज को अचीव करने के लिए, काम करने के लिए, है ना। पागल बन के काम करोगे ना तो गारंटी दे रहा हूं जी, आपको कोई नहीं रोक सकता है फॉरएवर के अंदर आगे बढ़ने से। रोकेगा जी कोई बताओ? अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, जिम्मेदारी लोगे, पागल बन के काम करोगे, बस फोकस फोकस, मेहनत मेहनत मेहनत, बताओ कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा दोस्तों, बस पागल बन के काम करें, ठीक है जी। समझ आ गई चीजें? तो होप आपको जो चीजें समझ आई है काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। कैसी ट्रेनिंग रही, क्या आपने सीखा आज की ट्रेनिंग्स के अंदर, कैसा माइंडसेट आपका बना, प्लीज जिस जिस ग्रुप में आप ऐड हैं रिव्यू जरूर शेयर करें, है ना, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट मीटिंग थी, क्योंकि मैं 2-2.5 महीने पहले मैनेजर बना हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि यार, है ना, कि मैं अपने खुद की करेक्शन भी कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे ये नहीं है कि भाई मैं मैनेजर बन गया तो मुझे बहुत आता है, नहीं भाई, अभी मुझे बहुत नहीं आता है, मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है, ठीक है जी। तो कैसा सेशन रहा, क्या चीजें सीखी आपने, प्लीज ग्रुप्स में रिव्यू शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो ऑल दी बेस्ट।